हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। स्टडी विज्ञान प्रकाश के आज के वीडियो में शुरू करते हैं 20 सितंबर के करंट अफेयर। हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं तो ये हैं बीच में चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्हें आप पहचान रहे होंगे। और आपको ये बता दें फ्रेंड्स कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में दलित समुदाय के पहले ऐसे नेता हैं जिन्हें राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिल रहा है। चमकौर साहिब विधानसभा है तो वहाँ से ये तीसरी बार विधायक बने हैं। और साल 2007 में चन्नी ने पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता था, वो भी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें कांग्रेस में शामिल करा लिया था। साल 2012 का विधानसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर ही जीता था। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में चन्नी टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री थे। फिलहाल अब ये पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो नाम याद रखना चरणजीत सिंह चन्नी। और इसी के साथ आपको जो पंजाब के नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम भी आपको याद रहना चाहिए। तो नए जो राज्यपाल बने हैं उनका नाम क्या है? तो पंजाब के जो नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम आप जानते होंगे, बनवारी लाल। अच्छा ये बताओ कि आर.एन. रवि जो हैं ये इस प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं, तो याद रखना तमिलनाडु के। और जगदीश मुखी के बारे में बात करें तो जगदीश मुखी जो हैं नागालैंड का गवर्नर भी बनाया गया इन्हें, अतिरिक्त प्रभार। वैसे जो जगदीश मुखी जी हैं ये असम के गवर्नर हैं। और एक नाम और याद रखना एल गणेशन का। एल गणेशन ये हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए हैं। और थावरचंद गहलोत के बारे में आप जानते होंगे, कर्नाटक के नए राज्यपाल हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया था? हिमाचल प्रदेश का। और कुछ नए मुख्यमंत्री भी बने हैं, जैसे कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल बन गए हैं। उत्तराखंड के कुछ दिन पहले बने थे पुष्कर सिंह धामी। और पुडुचेरी के एन रंगास्वामी बनाए गए थे। अच्छा उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम क्या है? तो ये हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? M.K. स्टालिन। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। असम हेमंत विश्व शर्मा। और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है N. वीरेन सिंह। अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों को सैन्य केंद्र में बदलने पर विचार चल रहा है? तो फ्रेंड्स इस समय अगर देखा जाए तो हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है वो चीन की वजह से काफ़ी वहाँ पर सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। तो जितने भी दुनिया में देश हैं वो काफ़ी चिंतित हैं अपने अपने वर्चस्व को बचाने को लेकर। तो अभी हाल ही में एक गठबंधन भी बनाया गया था, और उस गठबंधन का नाम क्या था मैं बता देता हूँ। इसमें कौन कौन से तीन देश थे? एक तो US था, दूसरा कौन सा था? UK था, और तीसरा था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा, इस पर परमाणु हमले की धमकी दी गई है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। तो अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों को सैन्य केंद्र में बदलने पर विचार चल रहा है? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना का जो दबदबा बढ़ रहा है उससे बचने के लिए और अपने प्रभाव को बचाए रखने के लिए अंडमान निकोबार के 500 जो द्वीप हैं वहाँ पर सैन्य केंद्र खोलने पर विचार कर रहा है हमारा प्यारा भारत। तो हिंदू प्रशांत क्षेत्र में, यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में, आप कुछ भी कहो एक ही बात है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की घेराबंदी और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अंडमान निकोबार के निर्जन द्वीपों को रणनीतिक केंद्र पर बदलने पर विचार हो रहा है। यहाँ दर्जनों द्वीप ऐसे हैं जहाँ सैन्य केंद्र स्थापित कर बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भारत अपनी ताकत को बढ़ा सकता है। और आने वाले समय में चीन हिंद प्रशांत में विमानवाहक पोत भी स्थापित कर सकता है। चीन के पास कुल कितने विमानवाहक पोत हैं? 4 हैं। भारत के पास कितने हैं? 2 हैं। और अंडमान द्वीप समूह में कुल 534 द्वीप निर्जन हैं, जबकि 38 पर आबादी है। तो कुल मिला के कितने द्वीप हो गए ये बताओ कि अंडमान द्वीप समूह में कुल मिला के कितने द्वीप हैं? हालांकि कुल मिला के 572 छोटे द्वीप बड़े द्वीप मिलाकर हो गए, और इनका जो कुल क्षेत्रफल है वो करीब 9000 वर्ग किलोमीटर है। जैसा कि आप जानते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो ये पोर्ट ब्लेयर है, और भारत का केंद्र शासित प्रदेश है ये, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण पूर्व एशिया का यह हिस्सा है, और यह इंडोनेशिया के आचे के उत्तर में 150 किलोमीटर पर स्थित है, तथा अंडमान सागर इसे थाईलैंड और म्यांमार से अलग करता है। अब देखो बात यहाँ पर क्या हो रही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, तो आपको याद आना चाहिए 10 डिग्री चैनल। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में
छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जो जो जलसंधि है उसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। तो याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह लगभग 155 किलोमीटर चौड़ी है, 10 डिग्री अक्षांश लेटिट्यूड के समीप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। अच्छा, 9 डिग्री चैनल के बारे में जानते हो क्या? 9 डिग्री चैनल, तो ये लक्षद्वीप और मिनी काय के मध्य स्थित है, यानी कि 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मिनी काय के मध्य होकर इनसे इनको जो है अलग करती है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी काय को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल के बारे में भी जान लो कि, तो देखो ये जो 8 डिग्री चैनल है ये भारत को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। स्पेस एक्स के मिशन इंस्पिरेशन 4 का स्वचालित ड्रैगन कैप्सूल पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान पूरी कर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटा है? थोड़ा इसको आसान कर देता हूँ। स्पेस एक्स ने 4 ऐसे ही शौकिया जो अंतरिक्ष यात्री थे उनको अंतरिक्ष में भेजा था और इस मिशन को नाम दिया गया था इंस्पिरेशन 4। तो यहाँ पर प्रश्न यह है कि उनका जो कैप्सूल था वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक गया था? तो कुल मिला के 585 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम के लौटा है और ये जो अभियान था ये 3 दिन का था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वापसी के समय की तस्वीर है। और मैं आपको बता दूँ तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 4 शौकिया अंतरिक्ष यात्रियों को दुनिया की पहली ऑल सिविलियन क्रू के तौर पर अंतरिक्ष में भेजा था। इन लोगों ने नासा के फ्लोरिडा में कैनावेरल में स्थित जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहाँ से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरा था। आपको याद होगा कि कैनेडी स्पेस सेंटर से ही अपोलो 11 मिशन भी गया था चंद्रमा के लिए। और स्पेस एक्स का पूरी तरह स्वचालित ड्रैगन जो कैप्सूल था वो रवाना होने के बाद 585 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अंतरिक्ष से वापसी में जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में, देखो क्या होता है कि जब पृथ्वी के वायुमंडल में जो वायु है, अब ये मान लो पृथ्वी हो गई, यहाँ से वायुमंडल शुरू होता है, इसके आगे तो शून्य होता है, लेकिन जब कोई भी चीज़ वापस आती है तो वायुमंडल का जो घर्षण है उस पर पड़ता है तो बाहरी जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। तो इस कैप्सूल का जो बाहरी तापमान था वो बढ़कर 1927 डिग्री हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो तकनीक इस्तेमाल की गई उसके द्वारा जहाँ पर ये 4 लोग बैठे हुए थे वहाँ पर तापमान जो था वो 20 से 25 डिग्री के बीच में बना रहा। और स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल पर सफ़र कर रहे जो यात्री थे उन्होंने किससे बात किया था? देखो एग्ज़ाम में अब कुछ भी पूछा जा रहा है। जिन लोगों ने अभी कल का वीडियो देखा था, यानी कि जो अभी एक परीक्षा हुई है GIC की, उसमें जो GS के प्रश्न पूछे गए थे उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको बहुत ही डीप स्टडी की आवश्यकता है। तो जो ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको भी आप याद रखना। प्रश्न बन सकता है कि स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में रहते हुए जो 4 अंतरिक्ष यात्री थे उन्होंने किस अभिनेता से बात की थी? तो उन्होंने टॉम क्रूज से बात किया था। तो कोई भी पॉइंट मैं छोड़ूंगा नहीं और आपको हर बात ध्यान से सुन लेनी है, उसको रट लेना है। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? प्रश्न क्या है? हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? तो ये हैं अनुपम खेर। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अनुपम खेर को क्या मिला है? हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि, ठीक है। तो हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि जो प्रदान की है वो अनुपम खेर को प्रदान की है। और हिंदू यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर स्थित है अमेरिका में? तो फ्लोरिडा में यह स्थित है। NCRB जिसको आप कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2020 में प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? 328। ऑप्शन 20 का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप याद रखना। और यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट में लापरवाही के कारण सड़क हादसों में कुल 3.92 लाख लोगों ने जान गंवाई है। तो ये 3 साल के आंकड़े हैं, मतलब 2020, 2019 और 2018 में कुल 3.92 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2020 में जो आंकड़ा रहा वो लॉकडाउन की वजह से कम रहा, यह रहा कितना? 1,20,000। और हर दिन का औसत भी रहा 328, जो कि काफ़ी अधिक है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में किस राज्य में अपहरण की सबसे अधिक वारदात हुई? तो याद रखना कि अपहरण की सबसे अधिक वारदात, अपहरण के साथ साथ हत्या की जो सबसे अधिक वारदात थी वो NCRB के अनुसार कहाँ पर हुई है? तो UP में हुई है। वहीं पर दुष्कर्म के जो मामले हुए
दुष्कर्म के लिए जो मामले हुए सबसे अधिक दर्ज हुए राजस्थान में। और बात करें तो सांप्रदायिक हिंसा में उत्तर प्रदेश जो है ये शून्य है, सांप्रदायिक हिंसा बिल्कुल नहीं हुई। और सांप्रदायिक हिंसा में पहला स्थान किसका होता है तो ये पूर्वोत्तर दिल्ली का है, ठीक है, ईस्ट दिल्ली पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आता है बिहार सांप्रदायिक हिंसा में, तो ये रिपोर्ट भी NCERB की ही है। और अगर हम बात करें यहाँ पर NCERB के बारे में तो NCERB जो है यहाँ पर, तो फ्रेंड्स NCERB ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये आपको याद रखना होगा। और NCERB की स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में मिलेगा आपको। और वर्तमान में जो इसके डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है रामफल पंवार। क्या नाम है? रामफल पंवार। और ये एक IPS अधिकारी हैं। भारत की पहली स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर किसके द्वारा संचालित की जा रही है, तो उत्तर हो जाएगा आपका IRCTC। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। और यह एक बहुत ही शानदार क्रूज है, इस पर आप यात्रा कर सकते हैं। 18 सितंबर से इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन 18 सितंबर से भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर शुरू कर दिया है। इसके लिए आप IRCTC की वेबसाइट www.irctctourism.com पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। और याद रखना इसका नाम है कॉर्डेलिया क्रूज। और कॉर्डेलिया क्रूज ये भारत का सबसे प्रीमियम क्रूज लाइनर है। IRCTC ने कहा है कि जहाज पर सवार मेहमानों को गोवा और दमन के अलावा जो दीव है, लक्षद्वीप, कोच्चि और श्रीलंका जैसे कुछ बेहतरीन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए नौकायन का अनुभव मिलेगा। कॉर्डेलिया क्रूज 18 सितंबर से अपनी पहली यात्रा शुरू कर रहा है और अपने पहले चरण में मुंबई में अपने बेस के साथ भारतीय गंतव्यों से होकर गुजरेगा। हाल ही में मातृभूमि योजना किस प्रदेश ने शुरू किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। और उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की औपचारिक शुरुआत के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए हैं। और यह योजना 15 सितंबर से लागू हो गई है। क्या है ये योजना? तो इस योजना के माध्यम से गाँवों में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशाला, ओपन जिम, पशु नस्ल सुधार केंद्र, फायर सर्विस स्टेशन आदि की स्थापना आप भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि 50% लागत आपकी लगेगी यानी कि जो लगाएगा, और 50% इसमें अनुदान मिलेगा, ये सरकार आपको देगी। तो स्मार्ट विलेज का निर्माण करने के लिए CCTV लगवाने, सोलर लाइट है उसको लगवाने, सीवरेज के लिए STP प्लांट लगवाने में भी नागरिकों की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। तो मातृभूमि योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है उत्तर प्रदेश की। KBIC ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से योजना की शुरुआत की, तो इसको नाम दिया गया है स्पिन। और स्पिन का मतलब स्ट्रेथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। KBIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने यह अनूठी पहल शुरू की है। भारत की क्षमता को मजबूत करना मतलब स्ट्रेथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। और इस अवसर पर हाशिए के कुम्हार समुदाय के 1100 से अधिक लोगों को सशक्त बनाने के लिए वाराणसी में पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए फंड की योजना, इसको नाम दिया गया है स्फूर्ति, के तहत एक मिट्टी के बर्तनों का क्लस्टर स्थापित किया गया। अच्छा ये बताओ कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया गया तो उसका कौन सा दिवस नाम दिया गया, तो कहा जाता है उसे सेवा दिवस की संज्ञा उसे दी गई है, याद रखना। अच्छा ये बताओ कि पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन को कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस के, 23 जनवरी को होता है। MSME राज्य मंत्री कौन है, भानु प्रताप सिंह वर्मा। उन्होंने स्पिन योजना की शुरुआत की है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड के 780 कुम्हारों ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों से वित्तीय सहायता के लिए पंजीकरण करवाया है। इसमें 110 कारीगर वाराणसी के हैं। NCC की व्यापक समीक्षा के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष होंगे कौन, वैजयंत पांडा, विकल्प डी आपका सही है। और 15 सदस्यीय इस समिति में क्रिकेटर MS धोनी भी रहेंगे और आनंद महिंद्रा जो कि चेयरमैन है महिंद्रा ग्रुप के, ये भी शामिल किए गए हैं। तो बात यहाँ पर हो रही है नेशनल कैडेट कोर के बारे में। स्थापना इसकी हुई थी 1948 में 16 अप्रैल के दिन। और इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। भारत नेपाल के बीच हो रहे सूर्य किरण युद्धाभ्यास के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है पिथौरागढ़ उत्तराखंड। अच्छा जो इसका 14वां संस्करण
इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये 2019 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो नेपाल में ही किया गया था। 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? कोविड के कारण नहीं हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सूर्य किरण युद्धाभ्यास याद रखना, भारत और नेपाल के बीच होने वाला एक युद्धाभ्यास है। और शेयर डेस्टिनी नामक युद्धाभ्यास किया था चार देशों ने मिलकर। कौन कौन से देश थे इसमें? तो एक तो आपका था पाकिस्तान, दूसरा चाइना, चाइना में ही इसका आयोजन भी किया गया था। और दो देश इसमें और थे, कौन कौन से देश थे इसमें? मंगोलिया और थाईलैंड थे। अच्छा बताओ कि काजिंद 2021 जो आयोजन हुआ, ये भारत और किस देश के बीच में हुआ था? काजिंद, तो काजिंद का आयोजन हुआ था, यानी कि ये जो युद्धाभ्यास था ये कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में किया गया। कोंकण अभ्यास भारत करता है, किसके साथ? ब्रिटेन के साथ करता है। जायर अल बहर नामक जो युद्धाभ्यास है इसको भारत करता है कतर के साथ। अच्छा हाल ही में सी कैट नामक एक युद्धाभ्यास भी हुआ था, आपको नाम याद होगा सी कैट, तो ये किसके साथ हुआ था? इंडिया ने किया था इसको अमेरिका के साथ, इंडिया और यूएसए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो इसका उत्तर जाएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसको आप PFC भी कह सकते हैं। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। PFC का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1986, प्रेसिडेंट हैं RS ढिल्लन, और 7 साल के लिए ये यूरो बॉन्ड जारी किया गया है। इसकी कीमत 1.841% रखी गई है, यूरो 300 बॉन्ड की कीमत 1.841% रखी गई है। और ये भी याद रखना कि भारत का यह पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड है, ठीक है, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड है ये, जो कि जारी किया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। हाल ही में किस संस्थान ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत और विशेष सचिव डॉक्टर के राजेश्वर राव के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया था। बात यहाँ पर हो रही नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 2015 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और 2015 से लेकर अब तक इसके जो चेयरपर्सन रहेंगे वो PM ही रहेंगे, तो कौन है? हमारे PM मोदी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स, शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।